हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश मेजर लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैड एक्सियोनोव्स वाइफ ड्रीम अबाउट हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के बारे में ना एक्सियोनोव की वाइफ ने क्या ड्रीम, ये सपना देखा था। शी हैड ड्रीम्ड दैट हर हस्बैंड हैड रिटर्न फ्रॉम द फेयर, बट व्हेन ही टुक ऑफ हिज कैप ऑल हिज हेयर वर ग्रे। कहती है, उसकी वाइफ बताती है कि उसने ये सपना देखा है कि उसके हस्बैंड निजनी नाम के फेयर से जब वो वापस आते हैं तो उन्होंने जैसे अपनी कैप उतारी तो उनके सारे के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। शी टोल्ड हिम दैट इट वॉज अ बैड ओमैन एंड ही शुडंट स्टार्ट हिज जर्नी दैट डे। कि ये एक अच्छा चिन्ह नहीं है, बैड ओमैन आप ये मान लो अपशगुन है, इसलिए उनको अपनी जो जर्नी है वो आज तो स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द ऑफिसर क्वेश्चनिंग एक्सियोनोव। कि जो ऑफिसर है ना एक्सियोनोव से क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हैं। द ऑफिसर क्वेश्चन एक्सियोनोव ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। के सस्पिशन मान लो शक, शक के कारण जो जो हमारे ऑफिसर है ना एक्सियोनोव से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। मर्चेंट हैड आल्सो स्टेड अलोंग विद हिम एट द फर्स्ट इन। एक देखो, एक्सियोनोव ना एक इन में ठहरा था, स्टोरी में आपने पढ़ाई है, और उस इन में एक और मर्चेंट भी ठहरा था, बट ही वॉज किल्ड ऑन दैट नाइट। और उसका मर्डर उसी रात हो गया था, तो इसीलिए क्योंकि सस्पेक्ट जो है वो हमारा एक्सियोनोव है, इसीलिए उससे क्वेश्चन की जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर सर्चिंग हिज लगेज व्हाट डिड द सोल्जर फाइंड एंड व्हाट वॉज एक्सियोनोव चार्ज्ड विद। जो लगेज को सर्च करने के बाद सोल्जर को क्या मिला और एक्सियोनोव को क्या सजा दी गई। द सोल्जर सर्च एक्सियोनोव्स लगेज। उन्होंने जब उसका सामान ढूंढा ना, दे फाउंड अ ब्लड स्टेन नाइफ फ्रॉम हिज बैग। उनको क्या मिला, एक खून से सना हुआ चाकू। एक्सियोनोव वॉज चार्ज विद द क्राइम ऑफ किलिंग अ मर्चेंट एंड रॉबिंग हिम ऑफ हिज 20,000 रूबल्स। उसमें क्या चार्ज लगा है कि उसने एक तो उस मर्चेंट का मर्डर किया है और साथ में ही रॉब होता है किसी को लूटना, कि उसके 20,000 रूबल्स लूटे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ही टेल हिज वाइफ एंड व्हाई डिड ही गिव अप ऑल होप्स। उसने अपनी वाइफ को क्या बताया और उसने अपनी जो सारी होप्स है कैसे त्याग दी। गिव अप होना होता है त्याग करना। ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट हिज टेल ऑफ मिसफॉर्च्यून। अपनी वाइफ को वो सारी जो कहानी है ना मिसफॉर्च्यून की बताता है। देन ही एडवाइज हर टू राइट अ पिटिशन टू द किंग। और उसको एडवाइस देता है कि किंग के आगे एक पटिशन डालो कि कैसे मेरे साथ इतना बुरा है, मुझे उस क्राइम की सजा मिली जो मैंने कभी किया ही नहीं था। उसकी वाइफ बताती है कि मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ और वो जो आपकी पटिशन है वो रिजेक्ट हो चुकी है। एक्सियोनोव्स वाइफ टू सस्पेक्टेड हिम। और उसकी वाइफ भी उस पर शक कर रही है, जाने से पहले उसको पूछती है वो, सच बताना क्या तुमने ये क्राइम किया है नहीं किया। शी आस्क्ड हिम टू टेल ऑल द ट्रूथ टू हर। कहती है कि बता दो आप मुझे। ये सुन के ना एक्सियोनोव का दिल टूट जाता है। उसकी इकलौती वाइफ जिसे वो प्यार करते हैं वो भी उस पर डाउट कर रही है। दिस ब्रोक हिज हार्ट सो ही गेव अप ऑल होप्स। इसकी वजह से उसका दिल टूट गया, इसलिए जितनी भी होप्स है ना उसको एक्सियोनोव ने गिव अप कर दिया, या फिर उसके पास कोई भी अब होप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज द पनिशमेंट गिवन टू हिम। एक्सियोनोव को क्या पनिशमेंट दी गई थी। एक्सियोनोव वॉज पनिश्ड टू बी फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड होता है किसी को कोड़े मारना। एंड सेंट टू जेल इन साइबेरिया टू लिव विद अदर कन्विक्ट्स। एक तो उसको कोड़े मारे जाएंगे और उसको साइबेरियन जेल में भेज दिया जाएगा और कैदियों के साथ रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द चेंजेस दैट केम ओवर एक्सियोनोव ड्यूरिंग हिज 26 इयर्स स्टे इन साइबेरिया। देखो, एक्सियोनोव को अगले 26 साल तक साइबेरियन जेल में रहना पड़ा। 26 साल के बाद क्या क्या उसके अंदर चेंज आया। एक्सियोनोव्स हेयर टर्न्ड व्हाइट, हिज बियर्ड ग्रू लॉन्ग थिन एंड ग्रे। देखो, 26 साल में इंसान पूरा चेंज हो जाता है ना। इस ड्यूरेशन में पहली बात तो वो बूढ़ा हो जाएगा, एजिंग आ जाएगी है ना, उसके बाल सफेद हो जाएंगे है ना, पतला हो गया वो, उसकी दाढ़ी बढ़ गई है। एंड हिज बॉडी स्टूप्ड। स्टूप्ड का मतलब क्या होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं हमारी बॉडी ऐसे एक्टिव नहीं रहती, झुकी हुई सी रहती है, लेजी सा रहती है। ही वॉक्ड स्लोली, कि वो धीरे धीरे चलता है। ही रिमेन सीरियस एंड ऑलवेज प्रेड, वो सीरियस रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता और हमेशा प्रेयर करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द प्रिजन
अथॉरिटीज थिंक ऑफ एक्सियोनोव, जो अथॉरिटीज है ना वो एक्सियोनोव के बारे में क्या सोचती हैं। द प्रिजन अथॉरिटीज थॉट एक्सियोनोव टू बी जस्ट एंड फेयर, कहने का मतलब है जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ है ना उनको क्या लगता है कि जो एक्सियोनोव है वो अच्छा इंसान है, बहुत फेयर है, बहुत इंटेलिजेंट है। ही वॉज ऑल्सो लाइक्ड फॉर हिज हम्बल नेचर, कि उसका जो नेचर था ना बहुत ही हम्बल था, बहुत प्यार से सबसे वो बात करता था। एक्सियोनोव बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर प्रिजनर्स, कि अदर जो प्रिजनर्स थे उनके अंदर कभी भी कोई लड़ाई होती थी ना तो वो लोग एक्सियोनोव से ही सलाह मांगने आते थे, सजेशंस मांगने आते थे। और रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी कोई बात रखनी होती है आगे अथॉरिटी के पास तो जो एक्सियोनोव था वही रखता था। द ऑफिसर लिसन टू हिज कंप्लेंट्स, और सारी जो कंप्लेंट्स है ऑफिसर एक्सियोनोव की सुनते थे। कहने का मतलब है इतने सालों में एक्सियोनोव बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, डेड मकार सेमियोनिच रिकॉग्नाइज एक्सियोनोव, जब मकार को जेल में लाया गया क्या उसने एक्सियोनोव को पहचाना? यस, मकार रिकॉग्नाइज एक्सियोनोव। फर्स्ट मकार मेंशन दैट एक्सियोनोव हैड ग्रोन टू ओल्ड, देखो जब जेल में मकार गया ना तो मकार ने बाकी लोगों से बात करने की कोशिश की और एक्सियोनोव से भी करने की कोशिश की, लेकिन एक्सियोनोव ने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया, मतलब वो ना कम बोलना पसंद करता था। तो मकार को बाकी कैदियों से पता लगा क्या कि यही वो इंसान है जिसको मैंने फंसाया है। तब फिर जो मकार है ना, फर्स्ट मकार मेंशन दैट एक्सियोनोव हैड ग्रोन टू ओल्ड, वो कहता है कि अभी तुम बहुत बूढ़े हो चुके हैं। सेकंड, ही सेड दैट इट वाज डिफिकल्ट टू पुट द नाइफ इनटू हिज बैग एज इट वाज अंडर हिज हेड, कहता है कि उस दिन ना मैं वो जो नाइफ तुम्हारे बैग में डालना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो नाइफ था ना वो तुम्हारे बैग में डालना था और जो तुम्हारा बैग था तुम्हारे सिर के नीचे था, तो मुझे फटाफट मर्डर करना था और उस नाइफ को तुम्हारे बैग में भी डालना था, वो जो बहुत डिफिकल्ट टास्क था। जब एक्सियोनोव ने ये सुना उसका तो खून ही खौल गया। व्हाट इललीगल एक्टिविटी वाज मकार कैरिंग ऑन इन द प्रिजन, के प्रिजन के अंदर जेल के अंदर मकार क्या उल्टा काम कर रहा था, इललीगल काम कर रहा था। आंसर, मकार वाज डिगिंग अ टनल अंडर अ वॉल ऑफ द प्रिजन टू रन आउट ऑफ इट, देखो जो मकार है ना वो जेल से एस्केप होने के लिए भागने के लिए एक टनल खोद रहा था। इट वॉज एन इलीगल एक्टिविटी बींग डन बाई हिम, ये इलीगल एक्टिविटी थी जो वो कर रहा था। हाउ डिड एक्सियोनोव फील व्हेन ही बिकेम श्योर दैट मकार वॉज द रियल कल्प्रिट, एक्सियोनोव को कैसा फील हुआ जब उसको पता लगा कि मकार ही वो इंसान है जिसने उसे फंसाया है, कि असली मर्डरर मकार है। ही फेल्ट वेरी मिजरेबल, उसे बहुत बुरा लगा। ही बिकेम रेस्टलेस, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया, खून खौल गया। ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी, उसको बहुत दुख हुआ कि यह इंसान है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के 26 साल बर्बाद हो गए। अ नाइट ही वॉज अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली, एक रात तो उसको पूरी तरह से नींद ही नहीं आई। ही लॉन्ग फॉर टेकिंग रिवेंज ऑन हिम, और वो सोचता रहा कि मैं कैसे इससे बदला लूं। How did Axionov find out the truth about Makar's digging out the earth inside the jail? At night, while walking around the prison, Axionov noticed a hole. जब Axionov ना prison में आसपास कहीं walk कर रहा था, तो उसको एक hole दिखा, एक गड्ढा दिखा. It was coming rolling out from under a shelf. एक shelf के नीचे से गड्ढा खोदा गया था. After that, Makar had come out of the tunnel. और क्या देखता है कि उस tunnel के नीचे से कौन निकल के आ रहा? Makar. जब मकार उसको देखता है एक्सियोनोव को, ही थ्रेटन हिम नॉट टू टेल एनीवन अबाउट इट अदरवाइज ही विल किल हिम, वो उसको धमकी देता है कि अगर तूने किसी को बताया तो मैं तुझे मार दूंगा। हाउ डिड मकार्स हार्ट चेंज, कैसे मकार का जो हार्ट है, दिल है, एक्सियोनोव के प्रति बदल जाता है, चेंज हो जाता है। एक्सियोनोव कुड हैव टेकन रिवेंज ऑन मकार, देखो क्योंकि एक्सियोनोव को पता लग गया जो मकार है वो प्लान कर रहा है भागने के लिए, गड्ढा खोद रहा है, पर जो एक्सियोनोव है ना वो किसी को नहीं बताता, मकार डर जाता है कि बता देगा जब जेल अथॉरिटी पूछेगी तो। एक्सियोनोव कुड हैव टेकन रिवेंज ऑन मकार बट ही फॉरगेव मकार सेमियोनिच, वो चाहता तो बदला ले सकता था पर उसने उसको माफ़ कर दिया। ही डिडंट डिस्क्लोज हिज नेम टू द गवर्नर, जब गवर्नर ने उससे पूछा तो एक्सियोनोव ने बताया ही नहीं उसका नाम। सो मकार्स हार्ट ऑल्सो चेंज्ड, इसीलिए जो मकार का जो दिल है वो बदल गया कि एक ऐसा इंसान जिसकी मैंने जिंदगी खराब कर दी वो चाहता तो मेरे बारे में दुनिया को बता सकता था, है ना, पर उसने चूज किया मेरा भांडा ना फोड़ने का। और ये
देख के ना मक्कार को बहुत अच्छा लगा, उसका दिल चेंज हो जाता है। वट वॉज एक्सियोनव्स लाइफ स्टाइल बिफोर ही वॉज मैरिड? जब एक्सियोनव की शादी नहीं हुई थी तो उसका लाइफ स्टाइल क्या था? एक्सियोनव वॉज अ केयर फ्री टाइप ऑफ पर्सन बिफोर ही वॉज मैरिड, कि वो बहुत ही केयर फ्री पर्सन था। ही वॉज फुल ऑफ फन, एक लाइवली इंसान जिसे फन करना पसंद है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड ड्रिंकिंग वाइन, के मतलब उसको सिंगिंग करना ड्रिंक करना बहुत अच्छा लगता था। समटाइम्स ही वॉज क्वारलसम वन ही हैड टू मच ऑफ वाइन, कि वो कभी कभी लड़ाई भी कर लेता जब बहुत ज़्यादा शराब पी लेता था। What made the police officer conclude that Aksionov had killed the merchant? के पुलिस ऑफिसर को ये मतलब ने कैसे कंक्लूजन निकाला कि Aksionov ने ही मर्चेंट का कत्ल किया है? Aksionov was frightened to see the blood-stained knife found from his bag. के जैसे ही ना उसके बैग से वो नाइफ निकला खून से सना, वो डर गया। He stammered in fear, डर से कांपने लग गया। His face become pale. पेल का मतलब क्या है? उसको बहुत डर से ना एक डरा हुआ चेहरा बन गया, मुरझा गया उसका चेहरा। All this made the police officer suspicious about Aksionov. इसी वजह से पुलिस ऑफिसर को उस पर शक हुआ। Why did Aksionov's wife faint? कि जो Aksionov की वाइफ है वो बेहोश क्यों हो जाती है? She saw Aksionov in a very miserable condition. देखो जब उसकी वाइफ ना जेल में आती है तो वो क्या देखती है कि Aksionov के जो हालत है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। He was chained and shut with other criminals, कि उसको चेन में बांधा हुआ है और मतलब अदर क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है। She fainted to see all that, और ये सब देख के वो बेहोश हो जाती है। Next question, why did Aksionov leave everything to God and said that it seems that only God can know the truth? कि हर एक चीज़ उसने ना भगवान पे क्यों छोड़ दी है? Aksionov's wife also suspected him. देखो Aksionov की जब वाइफ ही उस पर डाउट कर रही है, she before leaving she asked him to tell the truth whether he is the real criminal or not. जब वो जा रही होती है तो वो पूछती है उससे सच बताना, क्या तुमने क्राइम किया भी है कि नहीं किया। इट ब्रोक हिज हार्ट, इसलिए उसका दिल टूट जाता है। सो ही लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, इसलिए वो भगवान पे सब छोड़ देता है और कहता है इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, कि भगवान को ही सब कुछ पता है क्योंकि मुझ पे तो कोई ट्रस्ट कर ही नहीं रहा। व्हाट डिड Aksionov मीन व्हेन ही टोल्ड मकार दैट ही हैड किल्ड हिम लॉन्ग अगो? Aksionov ना जो है उसका कहने का मतलब क्या है जब वो मकार को कहता है कि उसने उसको बहुत पहले ही मार दिया है? Aksionov had suffered for 26 years for Makar's crime. देखो जो क्राइम मकार ने किया था उसकी सजा तो Aksionov ने ऑलरेडी 26 साल से भुगत ही ली है ना। His wife had died, उसके बच्चे मर चुके हैं। पिछले 26 साल में उसको कोई भी विजिट करने नहीं है। उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है। His children had forgotten him, उसके बच्चे उसको भूल चुके हैं। He had become old before time, मतलब समय से पहले वो बूढ़ा हो चुका है। That is why उसने ऐसा बोला कि मतलब जो क्राइम मैंने किया मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, उसकी सजा मुझे मिल गई है। Why did Aksionov not tell Makar's name to the governor? मकार का नाम ना Aksionov ने गवर्नर को क्यों नहीं बताया कि मकार ने ही सुरंग खो दी है? Aksionov was a good person. He had already suffered for a long time. कि जो हमारा Aksionov है ना वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वो काफ़ी समय पहले ही सब कुछ भुगत चुका है, जो काम उसने किया भी नहीं। The feeling of revenge had also vanished from his heart. उसके दिल से जो रिवेंज की फीलिंग है वो गायब हो चुकी है। So he didn't tell Makar's name to the governor. इसलिए वो ना मकार का जो नाम है गवर्नर को नहीं बताता। लास्ट क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ Aksionov. Aksionov के चरित्र का चित्रण कीजिए या फिर कैरेक्टर स्केच लिखिए। Aksionov suffered for 26 years in jail. 26 साल तक उसने जेल में सफ़र किया। He suffered so that Makar, the real villain, must become a good human being. देखो moral of the story यही है ना कि देखो Aksionov को उस क्राइम की सजा मिली जो उसने किया ही नहीं, और at the end जब मकार को ये पता लगता है कि मैंने जिसका बुरा किया वो मेरा बुरा करना ही नहीं चाहता, तो इससे उसका एकदम से चेंज थॉट चेंज हो जाता है, उसकी विचारधारा ही बदल जाती है। इट वॉज गॉड्स विल, ये भगवान की विल थी, भगवान की इच्छा थी फॉर सम टाइम्स
एक्सियनोव हैड आल्सो बिकम रिवेंजफुल. देखो थोड़े टाइम के लिए उसके मन में भी आया कि मैं रिवेंज लूंगा, बट हिज काइंड नेचर डिसमिस्ड सच नेगेटिव थॉट्स. जो उसका अच्छा नेचर था उसकी वजह से उसने ये थॉट स्किप कर दिया कि नहीं, मेरे को भगवान मतलब किसी भी तरह का रिवेंज लेने की ज़रूरत ही नहीं है. हिज टोटल सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड रेज्ड हिज कैरेक्टर टू अ हाई लेवल. कि उसने देखो टोटली अपने आप को भगवान पर उसको समर्पित कर दिया था कि भगवान ही देखेंगे जो भी होगा, क्योंकि भगवान ही सब जानते हैं. और इसी की वजह से ना उसका जो कैरेक्टर है काफ़ी हाई लेवल पे चला गया. उसने जेल में रहा, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत कुछ सीखा. ही गॉट जस्टिस बट टू लेट. उसको जस्टिस तो मिला पर क्या हुआ स्टोरी के एंड में, उसकी डेथ ही हो गई. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड व्यू है ना, कि उसको सजा मतलब इंसाफ मिला लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी. बट इट वॉज इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स परफेक्ट स्कीम. कि गॉड की परफेक्ट स्कीम थी ये. तो ये थे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.